इस समय हमारे साथ मुरादाबाद मेयर प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान कुरैशी जी, उनसे बात कर रहे थे कि चुनाव का माहौल क्या है और चुनाव का रुख है वो क्या है, क्या है? देखिए, चुनाव का रुख तो आप जब सुबह से घूम रहे हैं मुरादाबाद में तो आपने भी देख लिया होगा कि इस बार मुरादाबाद के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी आवाम ने पिछले 15 दिन से मन बना रखा है कि रिजवान कुरैशी को वोट देंगे और हाथ के पंजे के निशान पर मोहर लगाकर कामयाब बनाएंगे। और ये इस बात का प्रूफ है कि इस एरिया में मेरे ख्याल में 30 या 32 साल के बाद में हाथ के पंजे के निशान पर यहाँ वोट पड़ा होगा, इस बात के प्रूफ हैं। सब लोग मेरे साथी पीछे खड़े हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, करीब 32 साल बाद यहाँ हाथ का पंजा दिखाई देगा और ये हाथ का पंजा सेमीफाइनल है 2024 का। रिजवान जी, किस तरह से मतलब क्या धांधलियाँ हो रही हैं, कुछ आरोप हो, जैसे कि कई जगह पर हमने देखा है कि बूट लोगों के पड़ चुके हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं? देखिए, ये सब चीज़ें तो होती हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हो रही हैं। वोट को रोकने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उसी के तहत अभी हमने पर्यवेक्षक महोदया हमें मिली थी अब्दुल सलाम गर्ल्स कॉलेज पर, वहाँ पे 2 मशीनें पिछले 7:30 बजे से सुबह से बंद थी और वो आधा घंटा किए जा रहे थे पीठासीन अधिकारी, उन्होंने जाकर के शायद एक मशीन बदली गई है, एक अभी भी नहीं बदली गई थी। तो ये सारी परेशानी लगभग सभी जगह आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी जीत का डर है? बिल्कुल डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, योगी सरकार डरी हुई है, इसीलिए सब जान धांधलियाँ हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। ये थे रिजवान जिन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव को वोटर को रोका जाए और किस तरह से मतदान रोका जाए, उसकी पूरी तरह से जो सरकार है वो प्रयास कर रही है।